हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है परीक्षण मापन एवं मूल्यांकन, यानी टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपके सभी कंपटीशन फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स के लिए। जैसा कि अभी प्रेजेंट में आपका बिहार स्टेट एंड बीपीएससी TRE 3 आपका है, जिसके लिए टाइम थोड़ा भी नहीं मिला है। एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप पहले पढ़े हुए हैं, TRE 2 दिए हुए हैं और सारे एग्जाम्स दिए हुए हैं। और जितना भी आपके पास डाउट होगा उसको क्लियर कीजिए। और यदि आप MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हैं एकदम बेहतरीन ढंग से, तो मैंने दोस्तों TRE 2 के लिए कम से कम 80 वीडियोज का प्रैक्टिस कराया हुआ है, हर एक टॉपिक का पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वो सारे वीडियोस आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। जैसा कि मैंने TRE 2 जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर था, सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हुए आए हुए थे, बस 5 ऑप्शन किया था, उसमें सभी ने मिस्टेक किया था समझने में। तो ऐसा रिवीजन कर लीजिए कि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हर टॉपिक का वर्ल्ड लाइनर के माध्यम से डाउट क्लियर कर रही हूँ, सभी टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। जैसा कि आज टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन इन फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक है, उसके बाद योगा के सारे डाउट क्लियर होंगे और कुछ खेलों के डाउट क्लियर होंगे। उसके बाद फिर से जो टाइम बचेगा मैं MCQs का प्रैक्टिस कराऊंगी, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों, डेली बेसिस मेरे साथ बने रहिए। इधर मैं 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, तो दोस्तों बीच में कुछ ऐसा बिजी शेड्यूल हो जाता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियोज लाती हूँ आपके लिए पूरा इंफॉर्मेटिव होता है। यहाँ पे कोई फालतू बातें नहीं होती हैं, आपका टाइम फालतू नहीं वेस्ट किया जाता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक लाइन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्या क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा ये कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, गोनियोमीटर मापता है। तो टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन के सभी टॉपिक को डिटेल में थ्योरी सेशन पढ़ना चाहते हैं, तो आप टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन के स्पोर्ट ट्रेनिंग के टॉपिक में जाइए और सभी चीजें डिटेल में पढ़िए। तो गोनियोमीटर क्या मापता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गोनियोमीटर लकीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। दोस्तों, यह टेस्ट मेजरमेंट का Part 1 है, इसके बाद Part 2 भी आएगा। तो गोनियोमीटर लचीलापन मापता है। जैसा कि कभी कभी पूछ दिया जाता है कि लचीलापन जो है वो जोड़ों के कारण हमारे शरीर में गति होती है, तो यह मांसपेशी की कार्य क्षमता व लचीलापन और जोड़ के पास 2 अंगों के बीच का कोण मापता है गोनियोमीटर। एंड जो मांसपेशी जो फाइबर होता है, तंतु होता है, उसका वर्गीकरण, उसके तंतु को पहचानने का कार्य करता है बायोप्सी टेक्निक, इसको भी याद रखिएगा। और जो मांसपेशी की क्रियात्मक क्षमता होती है, एक्शन पोटेंशियल, उसको पता लगाता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। एंड जो शरीर की स्ट्रेंथ होती है, शक्ति होती है, उसे डायनेमोमीटर मापता है। एंड शरीर की बनावट मापता है डायनोमीटर। एंड ग्रिप स्ट्रेंथ यानी राइट एंड लेफ्ट हाथों की जो पकड़ की ताकत होती है, उसे मैनियोमीटर मापता है। एंड दोस्तों, कमर पैर हाथ आदि की शक्ति यानी ताकत को डायनेमोमीटर मापता है। लिपर BMI और हाइड्रोस्टेटिक दाब दिया था, एंड इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक दिया था। लास्ट में इसका आंसर की में आया था इनमें से सभी आपका मापता है एक से अधिक। तो यहां क्वेश्चन दिया था इसमें से कौन वसा का मापन नहीं करता है, तो वो दोस्तों जिसमें से आपका स्किन फोल्ड कैलिपर BMI एंड हाइड्रोस्टेटिक दाब तीनों था, उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगी। एंड स्टेडियोमीटर आपके शरीर की ऊंचाई और लंबाई को मापता है।
एंड दोस्तों जैसे जैसे क्वेश्चंस आता जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगी। एंड नेक्स्ट है, एक पेशी के तेजी से संकुचन करने की योग्यता को क्या कहा जाता है? जहां तेजी तीव्रता अधिकतम तीव्रता की बात आए वहां शक्ति यानी कि पावर यानी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यानी शक्ति की बात आती है, यहां पे शक्ति आपका राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट दोस्तों, ब्रेडी वॉलीबॉल परीक्षण के घटक है। जैसा कि दोस्तों वॉलीबॉल टेस्ट में दो मुख्य रूप से आते हैं, जिसका मैंने ट्रिक बताया था RB 40-45 महिला पुरुष, यानी R से आपका हो जाएगा रसल लेंच वॉलीबॉल टेस्ट, जो 1940 में नाओमी रसल एलिजाबेथ ने बनाया था, जिसमें दो टेस्ट आइटम्स है, सर्विंग टेस्ट और बॉलिंग टेस्ट, और B से हो जाएगा RB 40-45 महिला पुरुष, यानी कि रसल लेंच वॉलीबॉल टेस्ट महिला के लिए है, महिला पुरुष, ठीक। अब B से हो जाएगा ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट, जो 1945 में पुरुषों के लिए बनाया गया था, ठीक है, और जिसमें बॉलिंग क्षमता को मापा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ब्रेडी वॉलीबॉल परीक्षा के घटक है तो बॉली करना। अगर पूछा जाएगा कि वॉलीबॉल की दो टेस्ट आइटम कौन है, तो रसल लेंच वॉलीबॉल टेस्ट एंड ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट। नेक्स्ट दोस्तों, कंधे की चौड़ाई को मापने से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, कंधे की चौड़ाई के मापन से संबंधित है, तो यह है ब्राई एक्रोमियल डायमीटर, ठीक, बाई एक्रोमियल डायमीटर यानी व्यास आपका कंधे की चौड़ाई के मापन से संबंधित है। और इससे पहले जांग का पूछा था दोस्तों, नेशनल डायर टेस्ट से संबंधित है, डायर टेस्ट किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जो डायर टेस्ट है वह टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि टेनिस खेल में चार टेस्ट आइटम्स होते हैं, जिसका मैंने ट्रिक बताया हुआ था आपको कि DBHA 35, 50, 66, 79, ठीक है, मैंने बताया था DBHA, ठीक है, 35, 50, 66, 79, यानी डी से हो जाएगा डायर टेनिस टेस्ट, जो 1935 में हुआ शुरू, एंड बी से हो जाएगा ब्रूअर मिलर टेनिस टेस्ट, जो 1950 में शुरू हुआ था, एच से हो जाएगा हेविट्स टेनिस टेस्ट, जो 1966 में शुरू हुआ, ए से हो जाएगा एवरी रिचर्डसन टेनिस टेस्ट, जो 1979 में शुरू हुआ। ये चारों जो है टेस्ट हैं टेनिस से रिलेटेड हैं। एंड नेक्स्ट दोस्तों, किसी वस्तु की न्यूनतम शक्ति को मापने वाला परीक्षण है, तो यह है मिनिमम मस्कुलर पावर को मापता है क्रॉस वेबर टेस्ट। कौन मापता है? क्रॉस वेबर टेस्ट। क्रॉस वेबर टेस्ट क्या मापता है? मिनिमम मस्कुलर शक्ति को मापता है। तो दोस्तों क्रॉस वेबर टेस्ट जो है इसको सबसे पहले बनाया था, यह 1954 में हंस क्रॉस तथा रूफ फिहरिस्टलैंड ने फिजिकल फिटनेस मापने के लिए बनाया था। इसमें 6 टेस्ट आइटम्स होते हैं, जिसमें से एब्डोमिनल मींस पोज, एब्डोमिनल पल्स पोज, पोज एंड लोअर एब्डोमिन, अपर बैक, लोअर बैक, फ्लोर टो टच, एंड ये 6 आपके क्या आते हैं, इसमें 6 आइटम्स आते हैं, ये भी इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा परीक्षण कार्डियोवैस्कुलर क्षमता के लिए है? तो दोस्तों हार्वर्ड स्टेप परीक्षण जो है कार्डियोवैस्कुलर क्षमता परीक्षण के लिए है। जैसे कि दोस्तों हार्वर्ड स्टेप परीक्षण को 1943 में लुसीन ब्रोहा के द्वारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के स्टूडेंट्स पर सबसे पहले प्रयोग किया गया था। इसका पर्पज है कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करना, यानी सहनशीलता को। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, सबसे पहले वार्म अप किया जाता है, उसके बाद 5 मिनट तक सीट अप सिट डाउन किया जाता है, उसके बाद रिकवरी के जस्ट 1 मिनट बाद पल्स काउंट किया जाता है, उसके बाद लगातार 30 सेकेंड पल्स काउंट और 30 सेकेंड रेस्ट दिया जाता है,
इसी प्रकार 3 मिनट तक काउंट किया जाता है। उसके बाद सूत्र के द्वारा कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस यानी PEI फिजिकल फिटनेस इंडेक्स ज्ञात किया जाता है हर और स्टेप परीक्षण के लिए। उसके लिए सूत्र होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड गुड़े 100 अपॉन सम ऑफ पल्स काउंट ड्यूरिंग रिकवरी गुड़े 2, जिसको मैंने हार्वर्ड स्टेप टेस्ट परीक्षण में डिटेल में आपको बताया हुआ है। और दोस्तों आपको जानना है कि जो भी सहनशीलता वाले चीज होंगे एरोबिक एक्टिविटी वो सभी कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस में आ जाएंगे। जैसे कि दोस्तों मैं एक बताना चाहती हूँ कि कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस में 1 मील रन वॉक, 600 यार्ड रन वॉक, 9 मिनट रन वॉक, 1 मील रन वॉक आदि सभी आते हैं। एंड 12 मिनट्स रन वॉक को कूपर ने 1970 में बनाया था। एंड उसके अलावा आपका 12 मिनट स्विमिंग, साइकिलिंग एंड जॉगिंग को भी कूपर ने 1982 में बनाया था सब मैक्सिमल एरोबिक क्षमता को मापने के लिए। एंड हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एंड टोटल पल्स रेटियो टेस्ट एंड VO2 मैक्स ये सभी आते हैं कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस के अंतर्गत। नेक्स्ट है किस आयु का पता आमतौर पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से लगाया जाता है? तो यह मानसिक आयु का पता आमतौर पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर लगाया जाता है। दोस्तों आयु ज्ञात करने की 4 विधियां हैं। पहला है कालक्रमिक आयु जिसे क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। दूसरा है शरीर रचनात्मक आयु यानी एनाटॉमिकल एज। तीसरा है दैहिक आयु या शारीरिक क्रियात्मक आयु जिसे फिजियोलॉजिकल एज कहते हैं। चौथा है मानसिक आयु यानी मेंटल एज, जिसके बारे में मैंने खेल मनोविज्ञान वाले प्लेलिस्ट में जाइए और सभी चीजें डिटेल में पढ़िए। दोस्तों जैसा कि कालक्रमिक आयु जो होता है जिसे क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, कालक्रमिक यानी क्रोनोलॉजिकल एज जो है जन्म से लेकर वर्षों, महीनों और दिनों में मापा जाता है, जिसे कैलेंडर आयु के नाम से भी जाना जाता है और इसे स्कूल एज या मार्कशीट आयु के नाम से भी जाना जाता है। एंड दूसरा होता है शरीर रचनात्मक आयु यानी एनाटॉमिकल एज, जिसमें हड्डियों, दांतों की गणना करके यानी अंगों के पूर्ण विकास से आयु का पता लगाया जाता है। ऑसिफिकेशन ऑफ बोन यानी कंकाल दांत अस्थियों की परिपक्वता के आधार पर, जैसे कि दांतों की गणना करके इसके पुला अस्थि के आधार पर। दोस्तों एज की गणना के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दाहिने हाथ की रेडियल बोन होती है उसका प्रयोग आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इससे हड्डी की आयु ज्ञात की जाती है रेडियल बोन से, इसलिए दाएं हाथ के रेडियल बोन को एक्सरे एज के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आपको बॉटनी में पढ़ाया जाता है जो पेड़ों की आयु होती है तो पेड़ों में जो वलय होती है हर वर्ष में एक वलय बढ़ जाता है, तो एनुअल रिंग के द्वारा वार्षिक वलय के द्वारा पेड़ों की आयु ज्ञात किया जाता है। जैसा कि आपको GK का भी 40 क्वेश्चन आएगा उसमें आ सकता है। चौथा तीसरा होता है दोस्तों दैहिक आयु यानी कि शारीरिक क्रियात्मक आयु जिसे फिजियोलॉजिकल एज कहते हैं, जो हार्मोन्स के स्त्राव से पता चलता है। जैसे कि आयु का निर्धारण लड़कियों में जो मास्टुरेशन पीरियड होता है मासिक धर्म काल उससे ज्ञात किया जाता है, लड़कों में हेयर्स दाढ़ी मूछ आदि से पता चलता है। जो हार्मोनल स्त्राव होती है उससे जो शरीर में चेंजेस होते हैं उससे पता किया जाता है फिजियोलॉजिकल एज। चौथा होता है मानसिक आयु यानी मेंटल एज, इसमें हम बालकों से उसके आयु के अनुसार कार्यों की अपेक्षा करते हैं। यानी एक वर्ष का बालक, 3 क्लास का बालक यदि वह जोड़ घटाना कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु सही है। मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए आयु की क्षमता देखा जाता है यानी बुद्धि लब्धि ज्ञात किया जाता है। बुद्धि लब्धि यानी कि IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वेटेंट ज्ञात करने की सूत्र है मानसिक आयु अपान क्रोनोलॉजिकल एज गुड़े 100 यानी MA/CA यानी कि MA यानी कि मेंटल एज अपान CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज गुड़े 100। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो देखने के बाद ये ना लगे कि मैंने अधूरा दिया, ठीक है, आपको पूर्ण रूप से फील हो। नेक्स्ट है वर्ष 1969 में किसके द्वारा क्रू ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट परीक्षण SHT का निर्माण किया गया? तो वो थे क्रूज एवं उनके साथियों द्वारा।
नेक्स्ट है व्यक्ति के व्यायाम करते समय के प्रत्यक्ष प्रयासों के स्तर मापने हेतु स्वनिर्धारण मापनी किसके द्वारा निर्मित की गई। तो यह आर पी ई बोर्ग 1962 के द्वारा निर्मित की गई। नेक्स्ट है क्राउच बेबर परीक्षण के द्वारा किसका मापन किया जाता है। अभी जस्ट में बताई कि यह न्यूनतम मांसपेशी शक्ति यानी मिनिमम मैस्कुलर स्ट्रेंथ को मापता है। नेक्स्ट है खेल प्रतिभा पहचान परीक्षण हेतु मानव परीक्षण किस विषय पर केंद्रित होता है। तो यह गामक योग्यता यानी मोटर एक्टिविटी यानी स्किल पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है सीट एंड रीच टेस्ट मापता है। तो दोस्तों सीट एंड रीच टेस्ट हैमस्ट्रिंग और पीठ की फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस थ्रो में सेक्टर का कोड कितना होता है। तो 34.9 यानी 34.92 आपका होता है। एंड नेक्स्ट है पीआईबी यानी फ्लॉस्टी इंडिकेटर बोर्ड किससे संबंधित है। तो यह लॉन्ग जंप में संबंधित होता है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति की मानसिक आयु का पता लगाई जाती है। तो यह मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा पता लगाया जाता है मेंटल एज यानी मानसिक आयु का। नेक्स्ट है अंतराल प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा विकसित की गई। तो दोस्तों अंतराल प्रशिक्षण विधि जो है वह रेंडले व गर्चलर विकिला के द्वारा 1920 में डेवलप किया गया था। जो अंतराल प्रशिक्षण यानी इंटरवल ट्रेनिंग स्पीड इंड्योरेंस यानी गति सहनशीलता को डेवलप करता है। आराम अकेफोर्ड विधि भी इसको कहा जाता है। इसमें अनकम्प्लीट रिकवरी दिया जाता है जैसा कि मैं स्पोर्ट ट्रेनिंग में अच्छे से समझाया हुआ है। जैसा कि सहनशीलता यानी इंड्योरेंस डेवलप करने की 4 विधियां होती हैं कंटिन्यूअस मेथड यानी लगातार प्रशिक्षण फॉरटेक मेथड सॉरी दोस्तों कंटिन्यूअस मेथड इंटरवल रिपीटेशन कंपटीशन 4 मेथड होते हैं ठीक है। फॉरटेक मेथड भी सहनशीलता ही डेवलप करता है याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑफवर्ड किस फिटनेस परीक्षण की माप करता है। तो दोस्तों ऑफवर्ड जो है वह परीक्षण की माप करता है मोटर फिटनेस की ठीक है। यह क्वेश्चन आया हुआ था UPTGT में और आपके BPSC TI2 में आया हुआ था ऑफवर्ड का फुल फॉर्म। तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आता है लेकिन अलग अलग फॉर्म में आता है इसलिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है। जो आप जानते हैं उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए दोस्तों आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि रिवीजन के अभाव में ही आपको क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से नहीं हो पाते हैं। जैसे कि ऑफवर्ड युवा फिटनेस टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी देखना चाहते हैं तो ऑफवर्ड युवा फिटनेस टेस्ट की वीडियो को देखिए दोस्तों जिसमें मैंने ट्रिक के साथ एकदम शॉर्ट में सभी चीज़ें बताया हुआ है जिसे आप कभी भूलेंगे नहीं। ऑफवर्ड का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन एलियंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस ठीक है। इसको बनाया था 1958 में पॉल होन्सिकर ने जिसमें 7 आइटम थे लेकिन बाद में 1976 में पॉल होन्सिकर और गाय जी रिफ ने इसमें 6 आइटम्स रखे थे ठीक है जिसके बारे में डिटेल में आप निश्चित रूप से थ्योरी सेशन देखिए। नेक्स्ट है दोस्तों शारीरिक शिक्षा में कौन सा उपकरण ऊंचाई को मापता है। अभी जस्ट बताई थी ऊंचाई और शरीर की लंबाई मापने का यंत्र है स्टीरियोमीटर। नेक्स्ट है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को किसने निर्मित किया था। तो अभी जस्ट बताई थी ल्यूसीन ब्रोहा ने 1943 में कार्डियो रिस्पायरेटरी इंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए बनाया था मापन करने के लिए बनाया था। नेक्स्ट दोस्तों वह परीक्षण जो प्रतिक्रिया समय मापता है तो यह स्टिक ड्रॉप टेस्ट यह प्रतिक्रिया समय को मापता है यानी रिएक्शन टाइम को। नेक्स्ट है क्राउस बेबर स्ट्रेंथ में कुल कितने टेस्ट आइटम्स होते हैं। जस्ट बताई हूँ यह मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ को मापता है और इसमें 6 आइटम्स होते हैं। नेक्स्ट है 12 मिनट दौड़ या चाल कूपर किस सारी क्षमता का मूल्यांकन करता है। या सहन शक्ति आसन दिए रहेगा तो भी राइट रहेगा कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस रहेगा तो भी आपका राइट रहेगा एरोबिक शब्द रहेगा तो भी राइट रहेगा।
नेक्स्ट ऑफर का पूर्ण रूप क्या है, अभी जस्ट बताई थी ऑफर युवा फिटनेस टेस्ट का पूर्ण रूप है अमेरिका एलियंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। नेक्स्ट दोस्तों बाकर मेहदी के शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं, तो इसके हैं 4। नेक्स्ट दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है, तो इसका दोस्तों होता है जो माह के बीच बीच में जो शैक्षिक अवस्था होती है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में दो चीज होते हैं दोस्तों, एक होता है सम्मेटिव एंड फॉर्मेटिव, एक होता है सम्मेटिव एक होता है फॉर्मेटिव। जो फॉर्मेटिव होता है वो शिक्षा कार्य के बीच बीच में हम उसका टेस्ट लेते हैं, और जो सम्मेटिव होता है वर्ष में एक बार होता है। नेक्स्ट है डेविड के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, तो डेविड के अनुसार शिक्षण अधिगम जो शिक्षण सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें पहले नियोजन करना, फिर व्यवस्था करना, फिर अग्रसरण करना, फिर नियंत्रण करना शामिल है। नेक्स्ट है नई तरह की शिक्षा व्यवस्था जैसे मुक्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा आदि का औचित्य किस कारण से है, तो दोस्तों यह शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने की दृष्टि से आपका नई शिक्षा नीति व्यवस्था है। नेक्स्ट दोस्तों किस प्रकार के मापन में आरंभिक बिंदु शून्य होता है, तो यह निरपेक्ष मापन में होता है। नेक्स्ट है साइबेक्स मशीन किस तरह सिद्धांत पर आधारित है, यह समगतिक दोस्तों जो मशीनों द्वारा किया जाता है अक्सर वो समगतिक यानी कि आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज होता है। जो मशीनों पानी में ज्यादा खेला जाता है किया जाता है जैसे कि रोइंग एंड तैराकी आदि, तो मशीनों द्वारा समगतिक मतलब एक समान गति, आइसो मतलब सेम और काइनेटिक मतलब गति यानी एक समान गति, समगतिक सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है हार्वर्ड कदम यानी हार्वर्ड स्टेप परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मापने के लिए यानी हृदय की मजबूती मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों यदि किसी छात्र ने क्लास बैडमिंटन लैडर टूर्नामेंट जीता लेकिन बैडमिंटन कौशल परीक्षण की बैटरी पर उसके प्राप्तांक अच्छे नहीं थे तो परीक्षण में किसका अभाव माना जाएगा, तो दोस्तों इसे वैधता यानी कि वैलिडिटी के अभाव माना जाएगा। वैलिडिटी यानी कि वैधता क्या होता है, वैलिडिटी यानी कि वैधता दोस्तों होता है कि जिसलिए जो यानी कि व्हाट पर्पज टू मेजर यानी किस लिए बनाया गया है परीक्षण, जिसके लिए बनाया गया है क्या वह उसी को माप रहा है या नहीं, यदि नहीं माप रहा है तो वह वैध नहीं है, यदि माप रहा है तो वह वैध है। ठीक है, जैसे कि हम नए परीक्षण बनाए जा रहे हैं परीक्षण को एक छोटे समूह का प्रयोग करके करेंगे, फिर किसी दूसरे प्रमाणित परीक्षण को उन्हीं बच्चों के ऊपर प्रयोग करेंगे, यदि दोनों परीक्षणों के परिणाम एक जैसे आते हैं तो हम मानेंगे कि परीक्षण जो है वैध है। यानी किसी व्यक्ति की सर्विस करने की क्षमता, मान लीजिए बैडमिंटन का एक टेस्ट है किसी व्यक्ति की सर्विस करने की क्षमता को मापना है, तो वही टेस्ट बाकी में भी सर्विस क्षमता को मापता है तो वो वैध माना जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों मूल्यांकन का वह चरण जो स्रोत की प्रमाणिकता स्थापित करता है क्या कहलाता है, तो दोस्तों यह वह आलोचना कहलाता है। नेक्स्ट है JCR परीक्षण के शटल दौड़ परीक्षण में ट्रैक लेन की चौड़ाई कितनी होती है, तो दोस्तों JCR में J से जंप, C से चिनअप, R से रन यानी कि शटल रन, तीन टेस्ट होते हैं JCR से यानी कि सार्जेंट जंप यानी कि वर्टिकल जंप, C से चिनअप और R से रन यानी कि शटल रन। तो जो शटल रन होता है JCR में वो JCR में शटल रन जो होता है उसकी जो ट्रैक की लेन की चौड़ाई होती है वह 6 फुट होती है। नेक्स्ट है 1963 में नेशनल डिसिप्लिन स्कीम NDS निदेशालय ने शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की मांग पूरी करने के लिए कहां पर केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की थी, तो बरवाहा मध्य प्रदेश में किया था, किसमें किया था,
बरवाहा मध्य प्रदेश में किया था, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है नेटिव न्यूरो मस्कुलर स्किल कैपेसिटी मापने के लिए तैयार किया गया परीक्षण है, वो है जॉनसन परीक्षण। नेक्स्ट है जिस सीमा तक किसी मापन में माप किया जाने वाला परफॉर्मेंस शामिल है उसे किस पद की संज्ञा दी जाती है, वह तार्किक वैधता की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है एक परीक्षण का उद्देश्य मुख्य रूप से होता है, तो दोस्तों एक परीक्षण का उद्देश्य होता है परीक्षण के प्रशासन और स्कोरिंग के लिए दिशा निर्देश की स्पष्टता करना। नेक्स्ट है दोस्तों जब छात्र घुमावदार दौड़ कर रहे होते हैं तो उनके शिक्षक का लक्ष्य क्या जानने के लिए होता है, तो जब घुमावदार दौड़ करते हैं तो यह लक्ष्य होता है कि वो कितने फुर्तीले हैं यानी कितने चपल हैं, ठीक है, एजिलिटी कितना अच्छा है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है बैडमिंटन में द फ्रेंच शॉर्ट सर्विस परीक्षण सही सर्विस कहने की किस क्षमता को मापता है, तो यह लोअर लेवल को लो क्षमता को मापता है, नीची क्षमता को मापता है। जैसा कि जो दोस्तों आपका फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट है ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। बैडमिंटन को आपको याद रखना है तो इसका ट्रिक मैंने बताया है फिल्म 49-49-51 यानी फिल्म FLM, ठीक है, फिल्म यानी कि FLM 49-49-51 यानी कि F से हो जाएगा फ्रेंच स्टेल्टर बैडमिंटन टेस्ट जो 1949 से बनाया गया, ठीक है, कॉलेज महिलाओं के लिए। L से हो जाएगा लोकार्ड एमसी फेरसन बैडमिंटन टेस्ट जो 1949 से बनाया गया। M से हो जाएगा मिलर वॉल वाली टेस्ट जो 1949 में बनाया गया फ्रेंच मिलर के द्वारा पुरुष महिला दोनों के लिए, तो याद रखिएगा ये तीन टेस्ट आइटम्स। नेक्स्ट है JCR परीक्षण मापता है, तो दोस्तों JCR परीक्षण सामान्य गामक मोटर योग्यता को मापता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे JCR पूछेगा तो सामान्य गामक योग्यता यानी कि जनरल मोटर एबिलिटी को मापता है, और JCR परीक्षण 1947 में ब्रेंथ ई फिलिप्स के द्वारा बनाया गया था, जिसमें JCR जैसे वर्टिकल जंप, सी से चिनअप्स, आर से शटल रन होता है। और जब पूछेगा ऑफर्ड यू ऑफ फिटनेस टेस्ट किसका मापता है, तो वो मोटर स्किल को मापता है। नेक्स्ट है मोटर फिटनेस को मापता है ऑफर्ड यू ऑफ फिटनेस टेस्ट, JCR सामान्य गामक योग्यता को मापता है। नेक्स्ट दोस्तों व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की इकाइयों को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं एर्गोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक टेस्ट जिसमें स्कूली बच्चों को पास पास रखी हुई बाधाओं को पार करते हुए दौड़ना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे चपलता जांच यानी एजिलिटी टेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है कूपर की 12 मिनट रन वॉक एंड रन परीक्षण की प्रभाव उत्पादकता व्यक्ति के किसकी मूल्यांकन की योग्यता होती है उसमें, तो उसमें होती है सहन शक्ति यानी कि कार्डियो रिस्पायरेटरी एंड्योरेंस को मापता है 12 मिनट रन वॉक, जिसको बनाया था एच कूपर ने 1970 में, एंड 12 मिनट स्विमिंग साइकिलिंग एंड जॉगिंग को बनाया था 1982 में कूपर ने ही। नेक्स्ट है दोस्तों कि मैकडोनाल्ड्स फुटबॉल परीक्षण में शामिल है, तो दोस्तों मैकडोनाल्ड्स फुटबॉल परीक्षण में बैकबोर्ड पर फुटबॉल को जमीन पर गिरे बिना मारना होता है। जैसे कि दोस्तों फुटबॉल परीक्षण के अंतर्गत जिसे सॉकर टेस्ट, फुटबॉल को सॉकर भी बोला जाता है, जिसके अंतर्गत 3 टेस्ट आते हैं जिसका मैंने ट्रिक बनाया हुआ है MJC 51-63-68 यानी कि एम से हो जाएगा MC डोनाल्ड सॉकर टेस्ट जो 1951 में बनाया गया, जे से हो जाएगा जॉनसन सॉकर टेस्ट 1963 में बनाया गया, एंड सी से हो जाएगा क्रेव सॉकर टेस्ट जो 1968 में बनाया गया। नेक्स्ट है
पर्यवेक्षक की वह प्रवृत्ति जिसके तहत वह किसी व्यक्तिगत प्रदर्शन को अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे हालू प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य संबंध मानव की गति से है। शारीरिक शिक्षा के इस स्वरूप को किसने चिन्हित किया था? तो दोस्तों इसको चिन्हित किया था ऑफर्ड ने। याद रखिएगा, शारीरिक शिक्षा का मुख्य संबंध मानव गति से है, इस शिक्षा के स्वरूप को चिन्हित किया था ऑफर्ड युवा फिटनेस टेस्ट ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा स्पर्धा योजना किस वर्ष शुरू हुआ? तो दोस्तों यह शुरू हुआ 1985 में, यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ। यदि आप कंफर्म है तो बताइएगा कि 1985 राइट है, कंफर्म नहीं है तो इसको बताइएगा कि राइट क्या है। नेक्स्ट दोस्तों, परीक्षण पुनः परीक्षण विधि ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों परीक्षण पुनः परीक्षण यानी कि टेस्ट रीटेस्ट मेथड जो है वह विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी को ज्ञात करने की विधि है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है कि जो किसी भी टेस्ट को परीक्षण के मूल्यांकन की कसौटी यानी अच्छे परीक्षण की कसौटियाँ होती हैं, क्राइटेरिया फॉर गुड टेस्ट के लिए तीन कसौटियाँ होती हैं। पहला होता है साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी यानी वैज्ञानिक प्रमाणिकता, दूसरा होता है प्रशासनिक व्यवहारिकता यानी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज, एंड तीसरा होता है शैक्षणिक प्रयोग यानी एजुकेशनल एप्लीकेशन। जिसमें से साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी यानी वैज्ञानिक प्रमाणिकता के अंतर्गत रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, वैलिडिटी यानी कि वैधता, ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड आते हैं। जिसमें से जो विश्वसनीयता होता है उसमें ये होता है कि एक बार बार परीक्षक होने पर जब स्कोर एक जैसा आए तो उसे कहा जाता है कि वह विश्वसनीय है यानी कि रिलायबल है। विश्वसनीयता की मापने के लिए पांच विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला होता है टेस्ट रीटेस्ट मेथड यानी कि एक ही परीक्षक को एक समूह पर दो बार प्रयोग करना, और दूसरा होता है पैरेलल फॉर्म मेथड, तीसरा होता है इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड, और चौथा होता है स्पीड हॉफ मेथड जिसमें अर्ध विच्छेदन विधि होता है, पांचवा होता है कूडर रिचर्डसन विधि यानी कि। जैसा कि आपका इसमें पूछा है कि परीक्षण पुनः परीक्षण क्या होता है, टेस्ट रीटेस्ट मेथड, टेस्ट रीटेस्ट मेथड होता है कि यह विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी ज्ञात करने की विधि है जिसमें एक परीक्षण के टेस्ट आइटमों के दो परीक्षण एक ही समूह पर प्रयोग करना यानी कि दो परिणामों की सूची, सॉरी दोस्तों एक ही परीक्षण को एक ही समूह पर दो बार प्रयोग करने को टेस्ट रीटेस्ट मेथड यानी परीक्षण पुनः परीक्षण विधि कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, गति दृढ़ता सेहत के कौन से पहलू का मूल्यांकन फिटनेस ग्राम करती है? तो यह करती है हृदय वाहिनी सहन क्षमता का, सहनशीलता का। नेक्स्ट है, एक्सरे के माध्यम से कौन सी आयु का पता लगाया जाता है? दोस्तों तो इसमें एनाटॉमिकल एज यानी कि शरीर की संरचनात्मक आयु का पता लगाया जाता है अस्थियों दांतों की गणना करके। नेक्स्ट है, जैव धारिता यानी वाइटल कैपेसिटी यानी कि फेफड़ों की क्षमता किसके द्वारा मापा जाता है? तो स्पायरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, छात्रों के वर्गीकरण हेतु मैक क्लोय सूत्र क्या है? यह है 4 × आयु प्लस ऊंचाई यानी हाइट प्लस भार अपान 3। नेक्स्ट है, परीक्षण का प्रयोजन यानी उद्देश्य किस विधि से मापा जाता है? तो दोस्तों प्रयोजन मापा जाता है वैधता के द्वारा। यहाँ पे स्प्लिट हॉफ मेथड गलत दिया हुआ है, ठीक है। जब स्प्लिट हॉफ मेथड प्रयोजन यानी कि सब्जेक्ट को मापा जाता है, स्प्लिट हॉफ मेथड में परीक्षण को एक ही बार प्रयोग किया जाता है, आयोजित किया जाता है, और फिर प्रयोजन यानी कि सब्जेक्ट को उनके परिणाम के आधार पर दो भागों में सम और विषम में बांटा जाता है। पहले भाग में विषम संख्या वाले क्रमांक पर आने वाले प्रयोजन यानी सब्जेक्ट के परिणाम आते हैं, दूसरे भाग में सम संख्या वाले क्रमांक पर आने वाले प्रयोजन यानी सब्जेक्ट को परिणाम आते हैं, फिर दोनों के मध्य सह संबंध निकाला जाता है जिसे
स्प्लिट हॉफ मेथड में प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है परीक्षण का प्रयोजन यानी कि पर्पज उद्देश्य किससे मापा जाता है, तो पर्पज यानी उद्देश्य जिसलिए बनाया गया है वही मापे उद्देश्य को पूरा माप रहा है तो उसे हम वैलिडिटी यानी कि वैधता कहते हैं। तो यहाँ पे यह स्प्लिट हॉफ मेथड नहीं होगा, यहाँ वैधता होगा, वैलिडिटी होगा। नेक्स्ट दोस्तों, सर्वोत्तम रूप से गति का मापन किया जा सकता है। तो सर्वोत्तम रूप से गति का मापन किया जा सकता है 100 मीटर की तेज दौड़ के द्वारा, जिसे स्पीड डेवलप होती है। सर्वोत्तम रूप से स्पीड मापा जाता है 100 मीटर की दौड़ के द्वारा। नेक्स्ट है स्किन फोल्ड कैलिपर मापता है। तो दोस्तों यह शरीर की चर्बी यानी कि वसा को मापता है। नेक्स्ट है 12 मिनट दौड़ या चाल कूपर टेस्ट किस क्षमता का मूल्यांकन करता है। तो दोस्तों यह हमारे पावर एवं सहन शक्ति को मेजर करता है। नेक्स्ट है स्टेडियोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए किया जाता है। तो शरीर की ऊंचाई या लंबाई को मापता है। नेक्स्ट दोस्तों ईसीजी सूचक है। तो दोस्तों ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, यह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। यह हृदय संबंधित असमानता का पता लगाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है हृदय संबंधी असमानता का पता लगाता है। एक होता है ईईजी जिसे इलेक्ट्रोइंसेफेसोग्राफ कहा जाता है, जो मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाता है। नेक्स्ट दोस्तों रक्तदाब को मापने का यंत्र कौन सा है। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को मापता है स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट दोस्तों डायनेमोमीटर यंत्र किसी व्यक्ति की शक्ति मापन का कार्य करता है। इस यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो यह अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट है स्पायरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग होता है। तो यह फेफड़ों की क्षमता या वाइटल कैपेसिटी को मापता है। नेक्स्ट है सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है। तो ट्रेडमिल जो है सहन शक्ति परीक्षण में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोमेट्रिक मापन को अत्यधिक सही और विश्वसनीय बनाने के लिए कम से कम कितनी बार मापन महत्वपूर्ण होता है। तो दो बार। नेक्स्ट है किसी परीक्षण का नॉर्म उसमें किस आधार पर कार्य करता है। तो दोस्तों किसी भी परीक्षण के लिए वैज्ञानिक प्रमाणिकता के लिए वैलिडिटी, रिलेबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड की जरूरत होता है। जो नॉर्म्स होता है वो क्या होता है दोस्तों, जो नॉर्म्स होता है वह उम्र, लिंग और वर्ग के अनुसार ज्ञात किया जाता है कि किस उम्र के लिए क्या निर्धारित किया जाए। जैसे कि 18 वर्ष के उम्र के लिए इतना मीटर दौड़ बेस्ट माना जाएगा और 10 वर्ष की बालिका के लिए इतना मीटर, और लड़का है या लड़की, वर्ग किसका है, ये सभी ध्यान में रखते हुए जो नॉर्म्स है वो तैयार किया जाता है। यानी कि नॉर्म्स क्या होता है दोस्तों, नॉर्म्स जो है स्केल, वह स्केल होता है जो रो स्कोर यानी जो मेजरमेंट होता है उसको मानक स्कोर यानी स्टैंडर्ड में परिवर्तित करता है, जिसके आधार पर कोई वरीयता सूची तैयार की जा सकती है, तुलना की जा सकती है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्या होता है, ठीक है। एक प्रकार का औसत होता है नॉर्म्स, जो संबंधित चरों के आंकने अथवा तुलना करने में सहायक होता है। नॉर्म्स किसी विशेष जनसंख्या या प्रतिनिधित्व करता है जो किसी परीक्षण के उपयोग के उपरांत प्राप्त स्कोर को दर्शाता है। दोस्तों नॉर्म्स द्वारा किसी शिक्षक या छात्र को यह सूचना प्राप्त होती है कि संबंधित जनसंख्या में अन्य की तुलना में उसका स्तर क्या है, प्रथम है कि द्वितीय है कि तृतीय है कि चतुर्थ है कि दसवां है, बारहवां है, उसका स्तर ज्ञात किया जाता है एक प्रकार से नॉर्म्स में। यानी नॉर्म्स अक्सर उम्र, ग्रेड, ऊंचाई, भार या उसके संयुक्त विशेषता पर आधारित होता है। नॉर्म्स आयु, लिंग आदि के आधार पर अलग अलग तैयार किया जाता है। इसे नॉर्म्स को जिस आयु और लिंग के लिए बनाया गया है उसी पर लागू करना चाहिए, ठीक है। और एक होता है स्टैंडर्ड, यानी उसमें जो सबसे बेस्ट स्तर होता है उसको स्टैंडर्ड कहा जाता है। यानी कि किसी प्रमाप यानी नॉर्म्स के स्तरों को अलग अलग से संबोधित किया जाता है। उन्हीं बिंदुओं में से एक बिंदु को गुणवत्ता के बिंदुओं के आधार पर मानक बनाया जाता है, जो सबसे फर्स्ट होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है
प्रत्येक परीक्षण की वैधता यानी वैलिडिटी किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों इसको करने के लिए किसी परीक्षण को उसी से मिलते जुलते परीक्षण से संबंध किया जाता है कि सेम वही माप रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है सेकेंड, यहाँ पे 30 सेकेंड रहा होगा जो नहीं दिख रहा है। 30 सेकेंड सीटअप से किसकी गुणवत्ता परीक्षण होता है? दोस्तों सीटअप से पेट की शक्ति, सहनशीलता और गति को मापा जाता है जो तृतीय प्रकार के लीवर के अंतर्गत आता है जिसमें बीच में फोर्स लगता है। नेक्स्ट है किस खेल कूद में स्कोलियोसिस का उच्च दर देखा गया है? स्कोलियोसिस जो रीढ़ की हड्डी एक तरफ और जैसे कंधे के एक तरफ और हिप दूसरी तरफ मुड़ जाता है, यश का आकृति या सी की आकृति बनाता है, उसे स्कोलियोसिस कहा जाता है और जो जिमनास्ट और तैराक में ज्यादातर देखा जाता है। नेक्स्ट है कोई भी मापन यानी मेजरमेंट तब प्रभावी माना जाता है जब यह कार्यान्वित किया जाता है तो उच्च श्रेणी के योग्य और प्रशिक्षित कर्मिकों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है तब माना जाता है कि वह प्रभावी है। नेक्स्ट है बेसल मेटाबॉलिक दर में यानी कि BMR जिसका फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR में व्यक्तिगत स्तर पर भिन्नता हो सकती है परंतु यह शक्ति की मात्रा पर किस बात पर निर्भर करता है? तो दोस्तों यह शारीरिक गतिविधि यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उस पर निर्भर करता है कि आपका BMI और दूसरे का BMI कितना भिन्न है या कितना है कैसा है। नेक्स्ट दोस्तों डॉक्टर केनेथ कूपर किसके व्याख्याता है? तो दोस्तों ये 12 मिनट दौड़ और फुटवर्क प्रशिक्षण के व्याख्याता है। इन्होंने 12 मिनट दौड़ को 1970 में बनाया था, फिर 1982 में 12 मिनट स्विमिंग, साइकिलिंग और जॉगिंग को भी बनाया था। नेक्स्ट है JCR परीक्षा में शामिल है। JCR 1947 में बना और सामान्य गामक क्षमता को मापने के लिए JCR जैसे जंप, C से चिनअप, R से रन यानी कि JCR यानी सार्जेंट जंप या जिसे वर्टिकल जंप भी कहा जाता है जो एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग यानी पैरों की विस्फोटक क्षमता को मापता है। चिनअप जो हमारे हाथों और कंधों की शक्ति सहनशीलता को मापता है एंड शटल रन जो एजिलिटी को मापता है। ठीक है नेक्स्ट है ऑलाइनोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑलाइनोमीटर जो है भंगिमा यानी पोस्चर को मापन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फुफ्फुस की क्षमता वाटल कैपेसिटी मापने के लिए जो उपकरण उपयोगी होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे वेट स्पाइरोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिकों की हृदय संबंधी क्षमता दक्षता को मापने के लिए कौन सा परीक्षण प्रयोग करेंगे? तो इसमें 6 मिनट का पैदल चाल का परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों के जो सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है वरिष्ठ नागरिकों की हृदय संबंधी दक्षता को मापने के लिए 6 आइटम इसके अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा भी था दोस्तों आपके PPSC TI 2 में तो इसमें भी पूछ सकता है। इसके अंतर्गत चेयर स्टैंड परीक्षण एंड आर्म कर्ल टेस्ट एंड चेयर सीट एंड रिच टेस्ट एंड बैक स्ट्रेच टेस्ट एंड 8 फुट अप एंड गो परीक्षण एंड 6 मिनट चाल परीक्षण आदि आता है। तो दोस्तों ये था टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।